भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है। जहाँ गाय है वहाँ कृष्ण ना हो ऐसे कैसे हो सकता, और जहाँ कृष्ण हो वहाँ सुदर्शन नहीं ऐसे कैसे हो सकता। बहुत बढ़िया। और सुदर्शन वैसे गौ पालन से ज्यादा गौ रक्षा का काम करते, और मुझे लगता है कि गौ पालने का काम तो हो ही रहा है, होना भी चाहिए और होगा भी, लेकिन गौ रक्षा के काम को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। क्योंकि इस देश में कुछ लोग केवल गौ की हत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उसमें एक धार्मिक उन्माद का समाधान मिलता है। तो जो गाय का दूध, महज आपने कहा कि नोएडा के बच्चों के घरों में जाना चाहिए, बच्चों के मुंह में जाना चाहिए, मैं चाहूंगा कि नोएडा की जो मस्जिदें हैं, मदरसे, उसमें भी गाय का दूध जाना चाहिए, तो जरा कुछ फर्क पड़ेगा। और साथ साथ में जब दिल्ली में अधिवेशन चले संसद का, तो सांसदों को भी पहुंचाइए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की संसद इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर, गौ रक्षा पर, क्यों आगे आकर बात नहीं करती पता नहीं। लगता है कि वहां कथेरिया जी कुछ पाउडर का दूध पिलाया जाता है क्या? मैं इस दुख के साथ इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को भले बुरा लगे, क्योंकि जो बात आजादी के पहले से चल रही थी, हिंदुस्तान आजाद होगा तो क्या होगा, इसका जो वर्णन गांधी जी ने भी किया था, उसमें भी यह कहा गया था कि हमारी गाय बचेगी। लेकिन आज हम 72 साल बाद देश के आजादी का, अभी 75वां मनाएंगे हम 3 साल बाद, तब भी हम आज भी गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय नीति बनाने का समय आया है। वैसे मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, वैसे वो टीम चुनने में बड़े माहिर होते हैं, और कामधेनु आयोग का अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक अच्छा कैप्टन चुना है, इसलिए मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपके जैसे एक विजनरी व्यक्ति जिसने बड़े पदों पर रहे मंत्री, और इसलिए ये काम आगे जाएगा। अभी महेश जी ने कहा कि जगह की भी कमी है, मैं आपके इस मंच से मांग करता हूँ योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि नोएडा में ऐसी कई सरकारी भूमि है, अगर समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई ना कोई भूमाफिया उसका कब्जा करने ही वाला है, कुछ नहीं बनेगा तो कोई आके वहां कब्रिस्तान जरूर बना देगा। उससे अच्छा है कि योगी जी इस गौशाला को, यहाँ पर जो सरकारी भूमि है वो दे दे। मैं ना केवल यहाँ से मांग करूंगा बल्कि प्रत्यक्ष योगी जी को मिलकर भी इसका फॉलोअप करूंगा, ये वचन मैं आज इस मंच से देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आज आपके सामने एक आने वाले प्रोग्राम की भी जानकारी देता हूँ। मित्रों, आपको पता होगा कि सेव टाइगर कैंपेन बहुत चला इस देश में, अमिताभ बच्चन से लेके धोनी से लेके तमाम लोग उसमें आए, और वो लक्ष्य जो था वो आधे समय में ही पूरा किया गया। मैं नहीं कहता कि टाइगर बचना नहीं चाहिए, लेकिन एक हिंस प्राणी, वैसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हम तो पशु दया की बात करते हैं, भूत दया की बात करते हैं, तो टाइगर का भी बचने की बात करते हैं, लेकिन अगर टाइगर बचना चाहिए तो गाय बचनी ही चाहिए, इसकी भी मांग करता हूं। और इसलिए जैसे सेव टाइगर कैंपेन चला था, वैसे हम दिल्ली चुनाव के बाद सेव काऊ कैंपेन, एक राष्ट्रीय कैंपेन चलाने वाले हैं, और उसमें भी बच्चन रहेंगे, उनसे बात हो चुकी है। ये इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि गाय केवल आस्था तक सीमित नहीं खरीदनी चाहिए, गाय को व्यवहारिक तौर पर भी, क्योंकि आज तो यह युग है कि माँ बाप भी काम के नहीं है तो लोग उनके बारे में भी सोचते हैं कि इनको कहाँ रखा जाए, ये गलत है। लेकिन आज का जो युग है, इस युग में लोगों को उसकी उपयोगिता समझानी चाहिए, और इसलिए एक कैंपेन इस सेव काउ के द्वारा हम स्कूलों में चलाने वाले हैं कि जो दूध आप तक आता है उस दूध को देने वाली गौ माता है वो कैसे बचनी चाहिए, बच्चों को समझाया जाए। हवाई जहाज में जाते हैं तो सेव चिल्ड्रन के लिए 1 रुपए से लेके आपके इच्छानुसार पैसे देने का ऑप्शन होता है टिकट में, अगर वहां होता है तो गाय का भी हो, ऐसे विभिन्न स्तरों पर गौ माता का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, इसलिए आधुनिक भाषा में आधुनिक तरीके से इस कैंपेन को हम ला रहे हैं। देश के सारे गौ सेवा आयोग जितने बने हैं उनको भी उसके साथ जोड़ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जैसे टाइगर बचा वैसे गौ माता भी बचेगी, और कम से कम आज़ादी के 75वां साल मनाने के बाद हमको इस विषय पर कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसका स्थायी समाधान आ चुका होगा। साथ में जो कथा के आयोजन की बात कही है, सुदर्शन तो आपके साथ है ही, लेकिन हम इस सब के साथ साथ नोएडा से आगे बढ़ के, क्योंकि इतनी बड़ी गौशाला दिल्ली NCR में नहीं है,
तो हम दिल्ली को कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसका भी मुझे लगता है विचार करना चाहिए। और खास करके पुश्ते के उधर वालों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि उधर ज्यादा मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, तो उधर वालों को भी जोड़ेंगे तो उसका कुछ परिणाम होगा। आज तो कई लोग शाहीन बाग का रास्ता बंद है, इसलिए भी आ नहीं सके होंगे। और इसलिए हम इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि गाय जहां पलेगी बढ़ेगी, उसका दूध जाएगा, उसका वाइब्रेशन जाएगा, तो वहां पर कोई भी गद्दार जन्म नहीं ले सकता, ना जीवित रह सकता, ऐसा हमारा भरोसा है। इसलिए हम इस क्षेत्र को बढ़ाएं, ये बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, इसका वचन देता हूं। आज आपने बुलाया, अपनी बात रखने का अवसर दिया।